सो हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में जो है बात करने वाले हैं जो है हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे हम जो है जो बीएड एडमिशंस है 2023-24, जिसका कि आपने फॉर्म फिल किया होगा सीयूईटी पीजी का, क्योंकि जो है लास्ट ईयर से जो है सीयूईटी पीजी के बेस पे ही जो है सभी कोर्सेज में एडमिशन्स हो रहे हैं। खासकर जो बीएड है, जो एफिलेटेड कॉलेज भी हैं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उनमें भी जो है इसी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे बीएड के एडमिशन्स हो रहे हैं। तो आपने भी इसका फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो आप देखिए, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की 2022 कि जो है यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे। सीयूईटी पीजी हुआ था 2022 में भी, और उसी के बेस पे जो है यहाँ पे एडमिशन्स हुए थे। तो अब उसकी कट ऑफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और कट ऑफ देखेंगे हम कौन से कैंपस की, एसआरटी कैंपस टिहरी गढ़वाल की। जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसके तीन कैंपस हैं। एक तो आपका बिरला कैंपस श्रीनगर है, दूसरा आपका एसआरटी कैंपस है, तीसरा जो है आपका बीजीआर कैंपस पौड़ी है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं एसआरटी कैंपस टिहरी की। तो देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी इस बार सेम यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इस बार भी बीएड के एडमिशंस लेना चाह रहे हैं, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो ये अपडेट आप नोटिफिकेशंस देख लो, सेम प्रोसेस रहने वाला है इस बार भी। तो ये है, इसमें इस तरीके से आपको बुलाया जाएगा, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको यहाँ पे जो है टाइम दिया रहेगा 10 बजे से शाम 3 बजे तक, और उनको जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनमें जो है जो कैंडिडेट होगा उसको स्वयं वहाँ पे जो है प्रेजेंट होना होगा, स्वयं उपस्थित होना होगा और अपना एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अगर आप जो है किसी और को भेजेंगे तो आपको जो एडमिशन्स है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, या जो आपने फॉर्म भरा होगा, जो आप अप्लाई किया होगा एडमिशन्स के लिए, वो आपका उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, निरस्त उसको यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। एक तो आपका, जब आप देखिए, ये इस बार भी आपका काम आने वाला है, जब आप ऑनलाइन माध्यम से आप जो सीयूटी का फॉर्म भरा होगा और जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसकी जो है फोटोकॉपी प्रिंट आउट इस यहाँ पे मांगता है। सीयूटी पीजी के जो है मार्कशीट यहाँ पे आपसे मांगता है, इंटरमीडिएट हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपसे मांगता है, जो आपका अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसकी मार्कशीट आपसे मांगता है, एनसीसी एनएसएस या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ से मांगता है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपसे मांगा जाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आपका है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ ही यहाँ पे देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सारा यहाँ पे मांगा जाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो अदर डिस्कशंस हम दूसरी वीडियोज़ में करेंगे, हम सीधे यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो भी फीस वगैरह है सीट्स के बारे में, किसी दूसरी वीडियोज़ में यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बीएड जो है बीएड साइंस ग्रुप की हम देख लेते हैं मेरिट लिस्ट सबसे पहले, और ये जनरल कैटेगरी का हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे फॉर्म नंबर दे रखा है आपका, ठीक है, और स्टूडेंट का नाम दे रखा है, फादर नेम दे रखा है, जो है यहाँ पे जेंडर दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, सीयूईटी के जो है मार्क्स यहाँ पर कितने वो दे रखे हैं, एनसीसी एनएसएस या अदर मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, और टोटल मार्क्स कितने यहाँ पे बने। तो ये एनसीसी एनएसएस या जो अदर मार्क्स है, वेटेज मार्क्स में आपके आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट मेरिट की जो कट ऑफ यहाँ पे गई है स्टूडेंट्स की जनरल कैटेगरी में साइंस स्ट्रीम में, देखिए ये गई है 208, यानी कि 400 में से 200 नंबर इनके थे, 50% मार्क्स थे। और ये जो आपका 8 मार्क्स इनको मिलेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट के, तो टोटल 208 नंबर इनके हुए हैं। यूआरईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी है, तो 208 मार्क्स पे, 208 जो है मार्क्स पे जो है यहाँ पे इनको गवर्नमेंट सीट यहाँ पे अलॉटेड हुई है, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये, ठीक है। गर्ल्स की देख लेते हैं, तो साइंस जो है कैटेगरी में जनरल जो है गर्ल्स कैंडिडेट
30% आरक्षण, क्योंकि जो है 30% रिजर्वेशंस रहता है गर्ल्स के लिए। तो उसमें जो है गर्ल्स की जो कट ऑफ गई है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 198 जो है यहाँ पे गई है साइंस ग्रुप में। ठीक है, साइंस ग्रुप में ओबीसी जो है कैटेगरी है इसकी जो कट ऑफ गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो 176 यहाँ पे गई थी, 400 में से 400 में से 176 मार्क्स। ठीक है, और साइंस वर्ग में जो है ओबीसी गर्ल्स की जो है 30% जो रिजर्वेशन रहता है इसमें जो कट ऑफ गई है ये गई है आपकी कितनी, ये गई है 174। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं साइंस एससी वर्ग में जो कट ऑफ गई है 173, और साइंस एससी गर्ल्स 30% में जो कट ऑफ गई है वो गई है 158। तो गर्ल्स 30% का मतलब यहाँ पे 30% इनका रिजर्वेशंस लग रहा, आरक्षण लग रहा 30%। ठीक है, साइंस एसटी की जो कट ऑफ गई है 145 यहाँ पे गई है, और साइंस एसटी गर्ल्स की 141 यहाँ पे कट ऑफ गई है। साइंस ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो है यहाँ पे 200 मार्क्स पे यहाँ पे देखिए कट ऑफ गई है, और साइंस ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 30% में 195 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस जनरल कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप वर्ग में जो है 188 मार्क्स यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के आएंगे, इनकी कट ऑफ गई है। तो ये हमने देखा था साइंस कैटेगरी की, साइंस स्ट्रीम की। अब हम जो है आर्ट्स ग्रुप का भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें बीए प्लस बीकॉम यानी कॉमर्स वालों की और आर्ट्स वालों की दोनों की यहाँ पे ये कंबाइंड मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो जैसे आप बीकॉम वाले होंगे या आप जो है नॉर्मल बीए वाले होंगे तो ये जो मेरिट लिस्ट आती है दोनों की एक साथ ही यहाँ पे आती है। तो अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी की हम कट ऑफ देखते हैं, आर्ट्स में 188 यहाँ पे जो है कट ऑफ गई है। ठीक है, और जनरल गर्ल्स की 30% में देखिए जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है कितनी, 175, 175 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स ग्रुप में ओबीसी की जो है कट ऑफ गई है वो गई है 168। ठीक है, और आर्ट्स ग्रुप में ओबीसी गर्ल्स की 30% में जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 159। ठीक है, 159। आर्ट्स ग्रुप में एससी कैटेगरी की 154 कट ऑफ यहाँ पे गई है, और एससी गर्ल्स की जो है 30% में 139 यहाँ पे कट ऑफ गई है, और आर्ट्स ग्रुप में एसटी की जो है 145 यहाँ पे कट ऑफ गई है, और एसटी गर्ल्स की जो हम देख लेंगे 30% में ये कट ऑफ गई है 137। इसी तरीके से आर्ट्स में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 182 गई है, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का यहाँ पे नहीं है सीट। तो ये आपका ये टोटल ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट है एसआरटी कैंपस टिहरी गढ़वाल की। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, और एक आपको आइडिया लग गया होगा कि 400 में से अगर आपके 200+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका आपकी गवर्नमेंट सीट सिक्योर है, यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलेगा, चाहे आपको ये आपको डीवी कॉलेज मिले या आपको कोई अदर गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो ये है आपका सीयूईटी 2022 एसआरटी कैंपस टिहरी गढ़वाल की फर्स्ट कट ऑफ बीएड की, और ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप रिमार्क्स भी देख रहे होंगे, रिक्वायर करंट फाइनेंशियल ईयर ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो सर्टिफिकेट होंगे वो क्या है अपडेट नहीं है, तो ये आपको कर लेना है। जब भी आप एडमिशन्स लेने जा रहे हैं या आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो अपडेट होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेट होना चाहिए, रिन्यूअल होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स के जैसे यहाँ पे जो है यूजी फाइनल के जो है इन्होंने मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है, आपने जैसे आवेदन कर लिया है लेकिन आप मार्कशीट नहीं लगा रहे हैं या नहीं लगी है आपकी मार्कशीट, तब भी यूनिवर्सिटी आपको एक मौका देती है स्टूडेंट्स को, ताकि आप जो है
अपनी मार्कशीट लगा सकें और आपका जो एडमिशन्स है आपका जो साल हो बर्बाद ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी वीडियोस देखेंगे आगे, बीएड से जुड़ी हुई है सभी का कट ऑफ हम यहाँ पे देखेंगे, सारी जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको किस कॉलेज के कितनी जो है किस कॉलेज की जो है कट ऑफ्स का जो है देखना है लास्ट ईयर का, सारे कोर्सेज़ का यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। वैसे आप कमेंट कीजिए, उस कोर्स का यहाँ पे मैं लेके आ जाऊँगा।